हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आई एम अंजलि एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के लेक्चर 6 में मैं आपको टीपीए के 3 टॉपिक्स करवाने वाली हूँ. पर्सन कंपिटेंट टू ट्रांसफर, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर एंड थर्ड इज कंडीशनल ट्रांसफर, जो कि सेक्शन 7, 8 एंड 25 में डिफाइन है. सेक्शन 7 जो है वो डील करता है पर्सन कंपिटेंट टू ट्रांसफर के साथ. जनरली ये सेक्शन क्या कहता है कि मतलब हमें हेडिंग से समझ में आ रहा है, पर्सन कंपिटेंट टू ट्रांसफर मतलब वो पर्सन जो कंपिटेंट है. मतलब कंपिटेंट का मतलब होता है योग्य है, इनेबल है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने में. तो दो कंडीशन यहाँ पर लगाई गई है कि कौन से पर्सन जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. फर्स्टली ये है कि ही मस्ट बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपिटेंट होना चाहिए, उसके योग्य होना चाहिए, ठीक है. और सेकेंड है ही मस्ट हैव टाइटल टू द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का या तो उसके पास टाइटल होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, या फिर वो ऑथोराइज होना चाहिए उसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए, चाहे वो उसकी है या फिर नहीं है, ठीक है. तो वर्ड जो है ट्रांसफ़र उसके अंदर इंक्लूड होगा सेल, मॉर्गेज, लीज, गिफ्ट एंड एक्सचेंज. मतलब प्रॉपर्टी जो है वो कोई भी किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र की जा सकती है. अगर सेल हो रही है तो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, मॉर्गेज हो रहा है तो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, लीज़ हो रहा है तो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है, गिफ्ट में देते हैं आप किसी को तो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है किसी और के नेम पर, या फिर आप एक्सचेंज करते हैं प्रॉपर्टी का तो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है. अब हम टीपीए की वेयर लैंग्वेज देखते हैं. अकॉर्डिंग टू टीपीए 1882, एवरी पर्सन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी और ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी और नॉट इज ऑन इज कंपिटेंट टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी आइदर होली और इन पार्ट एंड आइदर एब्सोल्युटली और कंडीशनली इन द सर्कमस्टेंसेज टू एक्सटेंड एंड इन मैनर अलाउड एंड प्रिस्क्राइब बाई एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स. जब टीपीए के अकॉर्डिंग सिंपली वे में कहते हैं कि हर पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपिटेंट होगा, योग्य होगा, ठीक है, इंटाइटल्ड होगा उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, मतलब हकदार होगा, या फिर ऑथोराइज होगा उसे डिस्पोज करने के लिए जो प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर कर रहा है, चाहे वो उसकी खुद की नहीं है. डिस्पोज मीन्स खत्म करने के लिए, ठीक है, नष्ट करने के लिए. वो ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए जो है वो योग्य होगा, या तो उसको पूरी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, या फिर होली, या फिर उसके पार्ट को, किसी पार्ट को प्रॉपर्टी के, ठीक है, या तो एब्सोल्युटली और या फिर कंडीशनल, या तो पूरी तरीके से या फिर उस पर कंडीशन लगाकर, या फिर मतलब किसी भी सर्कमस्टांसिस में उस एक्सटेंड तक जो लॉ के द्वारा निश्चित की गई हो या प्रिस्क्राइब की गई हो, जो लॉ उस टाइम फोर्स में हो, ठीक है. अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बताया गया है कि वो पर्सन जो है कंपिटेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो वो दो कंडीशन फुलफिल करेगा, जो कि सेक्शन 11 में दे रखी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर. फर्स्टली एज ऑफ मैच्योरिटी मीन्स 18+ की उसकी एज होनी चाहिए और वो साउंड माइंड का होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए. मतलब ये दो कंडीशन जो अगर फुलफ़िल कर लेता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपिटेंट होगा वो पर्सन. फ्रेंड्स, सेक्शन 8 जो है वो बात करता है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र की. ये सेक्शन जो है वो मेनली ये बताता है कि जो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र हो रही है, जो भी जैसी भी प्रॉपर्टी जो वो है ट्रांसफ़र हो रही है, उसके साथ जितने भी लीगल इंसिडेंट हैं, जितने भी ईजमेंट हैं जो जुड़े हुए हैं, वो सारे ट्रांसफ़र होंगे. अगर लैंड ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो उसके साथ जितने भी ईजमेंट जुड़े हैं लैंड के साथ, तो वो सारी चीज़ें लैंड के साथ जो हैं वो ट्रांसफ़र होगी. लैंड के साथ जो भी चीज़ें होगी, जैसे राइट ऑफ वेज, राइट ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ें जो है वो भी ट्रांसफ़र होगी. अगर हाउस ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके साथ लॉक, कीज़, विंडोज़, बार्स, ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होगी जो हाउस के साथ अटैच है. अगर मशीन ट्रांसफ़र की जा रही है तो उसके साथ जितने भी मशीन के जितने भी पार्ट होते हैं, नट वोल्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं वो भी ट्रांसफ़र होगी, ठीक है. अब सो फ्रेंड्स, अब हम टीपीए के बेयर लैंग्वेज पे आ जाते हैं. अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड और नेसेसिटी इम्प्लाइड, अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पासेस फॉरवर्ड टू द ट्रांसफरी ऑल द इंटरेस्ट विच द ट्रांसफरर इज देन कैपेबल ऑफ पासिंग इन द प्रॉपर्टी एंड इन द लीगल इंसिडेंट देयर ऑफ. जहाँ पर डिफरेंट इंटेंशन एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड जो है वो शो ना की गई हो, और वहाँ पर जो है प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र की जा रही है ट्रांसफरी को ट्रांसफरर के द्वारा, तो सभी जो इंटरेस्ट हैं प्रॉपर्टी के साथ, जो भी इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, जो भी इलीगल इंसिडेंट जो जुड़े हुए हैं प्रॉपर्टी के साथ, वो सारे जो हैं वो भी ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है. मीन्स ट्रांसफरर के द्वारा ट्रांसफरी को जो भी प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र की जा रही है, उसके साथ जितने भी लीगल इंसिडेंट जुड़े हैं, तो जितनी भी चीज़ें जुड़ी हैं अटैच हैं उसके साथ, जो भी ईजमेंट अटैच है, वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होगी ट्रांसफरी को. ओके, सच इंसिडेंट्स इंक्लूड वेयर द प्रॉपर्टी इज लैंड, द ईजमेंट लाइक रेंट्स एंड प्रॉफिट्स विल ऑल्सो ट्रांसफर एंड ऑल द थिंग्स अटैच टू द अर्थ. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि लैंड के साथ जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जो भी ईजमेंट जुड़े हुए हैं, जैसे रेंट वगैरह हो गए, प्रॉफिट हो गए, जितने भी लैंड की सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, अगर लैंड ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके साथ ये चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं वो भी ट्रांसफ़र होगी. ईजमेंट में हम क्या इंक्लूड करेंगे, जैसे राइट ऑफ वे हो गया, राइट ऑफ लाइट हो गया, राइट ऑफ वाटर, राइट ऑफ फिशरीज, तो मतलब अगर किसी को लैंड ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसे ये सारी चीज़ें भी जुड़ी जो हुई हैं लैंड के साथ, तो वो भी उसे ट्रांसफ़र होगी, ठीक है.
वेयर द प्रॉपर्टी इज मशीनरी अटैच टू द अर्थ द मूवेबल पार्ट्स देयर ऑफ एंड एग्जाम्पल नट बोल्ट हैंडल कवर. मतलब अगर प्रॉपर्टी अगर मशीनरी है, अगर मशीनरी ट्रांसफ़र हो रही है, कोई भी मशीन वगैरह वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है दूसरे पर्सन को, तो उसके साथ जितने भी मूवेबल पार्ट्स हैं मशीन के, जो भी पार्ट्स हैं नट वगैरह हो गए, बोल्ट हो गए, जितने भी उसके पार्ट हैं मशीन के वो भी ट्रांसफ़र होंगे. ठीक है. वेयर द प्रॉपर्टी इज़ हाउस, जहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो हाउस के साथ जितने भी ईजमेंट जुड़े होंगे, अटैच होंगे, अनेक्स्ट होंगे, तो वो भी ट्रांसफ़र होंगे. ठीक है. जैसे कि हाउस के साथ रेंट अगर आ रहा है हाउस का, तो फिर रेंट भी ट्रांसफ़र होगा. अगर उसके साथ कोई लॉक वगैरह है, कोई कीज़ है, कोई डोर्स विंडोज़, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी ट्रांसफ़र होगी ट्रांसफ़री को. वेयर द प्रॉपर्टी इज़ डेप्ट और अदर एक्शनेबल क्लेम, अगर जहाँ पर प्रॉपर्टी डेप्ट है, मतलब अगर डेप्ट ट्रांसफ़र हो रहा है अगर प्रॉपर्टी के रूप में, या फिर कोई एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है, सिक्योरिटीज़ भी ट्रांसफ़र होगी. मतलब कहने का मतलब यह है, जहाँ पर अगर डेप्ट भी ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर कोई एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी रखी गई है एक पर्सन के पास, तो वो भी सिक्योरिटी भी वो भी दूसरे पर्सन को जो है वो ट्रांसफ़र होगी. ठीक है. बट नॉट एरर्स ऑफ इंटरेस्ट एक्योर्ड बिफोर द ट्रांसफ़र. इससे समझेंगे एक इलस्ट्रेशन के थ्रू. पहले मैं बता दूँ एक्शनेबल क्लेम के बारे में, अगर आज आप इस वीडियो पर नए हैं. जो इस सेक्शन के अंदर डेप्ट वर्ड जो है रेफ़र किया गया है, वो एक्शनेबल क्लेम के अंदर आता है, जहाँ पर जो डेप्ट के बदले में किसी की सिक्योरिटी नहीं रखी गई होती. अगर कोई डेप्ट ले रहा है कोई पर्सन, अगर उसके बदले में कोई वो सिक्योरिटी नहीं रखता, ठीक है, जैसे कोई प्लेज नहीं करता, तो फिर वहाँ पर उस पर्सन का, दूसरे पर्सन का राइट बन जाता है, जिसने लोन दिया है या फिर जिसने डेप्ट दिया है, तो उसका ये राइट बन जाता है कि वो उसके अगेंस्ट एक्शनेबल क्लेम कर सकता है. अब हम इलस्ट्रेशन देखते हैं कि जो सिक्योरिटी है वो भी कैसे ट्रांसफ़र होगी डेप्ट के साथ साथ, और या फिर एक्शनेबल क्लेम के साथ साथ. ए, बी और सी जो है वो आपस में रिलेट हैं. ठीक है. ए जो है वो 10 लाख रुपए लेता है बी से, और ए जो है वो अपनी गिरवी रख देता है बाइक बी के पास, जो कि 1 लाख रुपए की है. सॉरी, मैंने यहाँ पे 11 लाख लिख दिया, 1 लाख आएगा यहाँ पर. ठीक है. तो बी जो है वो एक्शनेबल क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि जो पैसे उसने उधार दिए हैं उसकी रकम जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि उसने 10 लाख रुपए दिए हैं और जो बाइक है वो 1 लाख की है. ठीक है. और यहाँ पर बी जो है वो एक्शनेबल क्लेम और डेप्ट जो है वो सी को ट्रांसफ़र कर देता है. क्यों ट्रांसफ़र कर देता है? क्योंकि बी ने जो है वो लोन ले रखा था सी से 15 लाख रुपए का. ठीक है. तो जो बाइक है वो भी सी को जाएगी. बाइक क्या है? सिक्योरिटी रखी हुई थी ए ने. ठीक है. तो वो सिक्योरिटी भी जो है वो सी को ट्रांसफ़र होगी. तो यही बात, ये लाइन कहना चाह रही थी पहले, जो प्रॉपर्टी अगर डेप्ट है और या फिर एक्शनेबल क्लेम है, अगर वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है दूसरे पर्सन को, मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है. ठीक है. तो सिक्योरिटी जो है बाइक की वो भी ट्रांसफ़र होगी सी को बी से. ठीक है. अगर यहाँ पर ये बात दे रखे, इफ़ ए हैज़ ऑल्सो गिव हिज बाइक टू एक्स फॉर सिक्योरिटी, देन बी कैन नॉट ट्रांसफ़र इट टू सी. अगर ए जो है किसी और को बाइक गिरवी रखता, मतलब किसी एक्स को, एक्स मतलब कोई और अदर पर्सन, ठीक है, सिक्योरिटी के तौर पर, तो बी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था सी की बाइक, क्योंकि बी से तो उसने लोन लिया ही नहीं, उसने सी, ए ने किसी पर दूसरे पर्सन को, एक्स को दे रखी है बाइक अपनी, तो बी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था सी को तब. ठीक है. अब हम देखते हैं जहाँ प्रॉपर्टी मनी है, मतलब जहाँ पर मनी का ट्रांसफ़र किया जा रहा है, मनी का ट्रांसफ़र कैसे किया जा रहा है वो हम इलस्ट्रेशन से समझेंगे. ठीक है. मतलब मनी का जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है. ठीक है. या फिर किसी प्रॉपर्टी का ऐसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है जिससे इनकम जनरेट हो रही है. ठीक है. तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के बाद अगर उस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम या फिर कोई भी इंटरेस्ट जो है वो जनरेट हो रहा है, एक्वायर हो रहा है, तो फिर वो भी ट्रांसफरी को जो है ट्रांसफ़र होगी. ठीक है. अब हम इलस्ट्रेशन देखते हैं. ए गिव्स अ करेंसी नोट ऑफ ₹500 टू बी, एंड बी इन एक्सचेंज गिव ₹500 इन कॉइन्स. मतलब देखा है कि मनी का ट्रांसफ़र हो रहा है, कि ₹500 का नोट दिया, उसके बदले में 500 के सिक्के उसने एक्सचेंज में दे दिए, लेकिन मनी का तो ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पर. ठीक है. द इंटरेस्ट विच विल इंक्वायर फ्रॉम बी नोट्स और सी कॉइन्स विल रिमेन विद दीज टू. अगर मतलब जो नोट जो है 500 का उसने दूसरे पर्सन को दिया, ट्रांसफ़र हो गया मनी का. ठीक है. और वही पैसे जो है वो अगर बैंक में जमा करवा देता है और उससे उससे इंटरेस्ट जो है वो मिलता है, ठीक है, उस पैसे से, तो फिर क्या होगा, वो चीज़ जो है वो उसे ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब वो इंटरेस्ट भी जो है वो उस पर्सन को ट्रांसफ़र हो चुका है. ठीक है. सेक्शन 25 जो है वो कंडीशनल ट्रांसफ़र की बात करता है, मतलब किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है,
और उस ट्रांसफ़र पर कोई कंडीशन लगा देना, ठीक है, उसे हम कंडीशनल ट्रांसफ़र कहेंगे। लेकिन ये जो सेक्शन है 25, ये बात करता है उन कंडीशंस की जो फेल्स हैं या फिर जो उन्हें पूरा करना मतलब इम्पॉसिबल है उन कंडीशन को, ठीक है, या फिर लॉ के द्वारा फॉरबिडन है, निषेध किए जा चुके हैं, ठीक है, या फिर मतलब लॉ के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग है ही नहीं, डिफीट है, ठीक है, या फिर फ्रॉडुलेंट कंडीशन लगाई गई हो, ठीक है, या फिर किसी पर्सन को इंजरी दे, ठीक है, मतलब ऐसी कंडीशन लगाना कि मतलब हाँ जो इम्पॉसिबल हो, ठीक है, या फिर किसी की प्रॉपर्टी को या फिर किसी पर्सन को क्यों इंजरी करना, या फिर जो ऐसी कंडीशन लगाना कि हाँ भी किसी पर्सन को हार्म करना या किसी की पर्सन की प्रॉपर्टी को हार्म करना है, ठीक है, या फिर कोर्ट के अकॉर्डिंग वो इमोरल हो कंडीशन, ठीक है, या फिर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो या अपोज्ड हो, ठीक है, तो मतलब ऐसी कंडीशन लगाना जो कि मतलब इम्पॉसिबल हो, नेचर के अकॉर्डिंग ना हो, लॉ के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ना हो, फ्रॉडुलेंट हो, ठीक है, या फिर किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को इंजरी करने के लिए या फिर किसी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, ठीक है। तो हम अब इसे इलस्ट्रेशन से समझते हैं ताकि हमें इजीली समझ आ जाए। ए लेट्स अ फार्म टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शैल वॉक 100 miles इन एन आवर, द लीज इज़ वॉइड। ए जो है बी को फार्म देता है इस कंडीशन पर कि वो एक घंटे के अंदर 100 miles चलेगा। ये तो इम्पॉसिबल है कि एक घंटे के अंदर 100 miles कैसे कोई चल सकते हैं, तो ये लीज जो है वो वॉइड हो जाएगा, ऐसी कंडीशन जो है वो नहीं लगाई जा सकती। ये हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए ट्रांसफ़र करता है 500 बी को इस कंडीशन पर कि वो सी का मर्डर करेगा, तो ये जो ट्रांसफ़र है वो वॉइड हो जाएगा क्योंकि ये जो है वो लॉ के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग नहीं है, डिफीट करते हैं, ठीक है, लॉ के द्वारा फॉरबिडन है, तो ये जो है ट्रांसफ़र जो है वो वॉइड हो जाएगा, ऐसी कंडीशन जो है वो नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। एवरी पर्सन कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटाइटल टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज़ कम्पिटेंट टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग। ये कहता है कि हर पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम्पिटेंट है, उसे ये हक है कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र करने के लिए योग्य है, या तो पूरी तरीके से एब्सोल्युटली या फिर कंडीशनली या फिर उस पर कंडीशन लगा कर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंडीशनली की वाली बात कर रहे हैं कि कंडीशन लगा सकते हैं। सच कंडीशन में भी आइदर कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट, कंडीशन जो लगाई जा सकती है किसी प्रॉपर्टी को, अगर कोई पर्सन जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसके ऊपर कंडीशन लगा सकते हैं, या तो वो पहले लगा सकता है या फिर बाद में, मतलब प्रेसिडेंट या फिर सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट मीन्स बाद में, कंडीशन प्रेसिडेंट मीन्स पहले जो कंडीशन लगाई जाती है, ठीक है। कंडीशन विच मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर अ पर्सन कैन एक्वायर एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी आर कंडीशन प्रेसिडेंट। मतलब प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट एक्वायर करने से पहले अगर कोई कंडीशन लगा दी जाती है तो हम उसे कंडीशन प्रेसिडेंट कहते हैं। मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने से पहले ही उस पर यह कंडीशन लगा दी गई कि कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो कोई भी, ठीक है, तो हम उसे कंडीशन प्रेसिडेंट कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ए ट्रांसफर्स लैंड टू बी, ए जो है वो बी को लैंड ट्रांसफ़र करता है इस कंडीशन पर कि वो सी से शादी करेगा, ठीक है, तो अगर वो सी से शादी करेगा तब उसे जो है लैंड ट्रांसफ़र होगा, तो ये जो कंडीशन है वो कंडीशन प्रेसिडेंट है, मतलब पहले ही जो है कंडीशन लगा दी गई है। कंडीशन सब्सिक्वेंट मीन्स ऐसी कंडीशन जो कि ट्रांसफ़र होने के बाद, मतलब प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र होने के बाद परफॉर्म की जाए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। ए जो है ट्रांसफ़र करता है लैंड बी को, ठीक है, इस कंडीशन पर कि वो सी से शादी करेगा विद इन 2 years, 2 साल बाद, फ्रॉम द डेट ऑन द ट्रांसफ़र, मतलब जिस दिन से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है उसके 2 साल बाद जो है वो सी से शादी करेगा। मतलब ट्रांसफ़र तो प्रॉपर्टी कर दी गई है, ठीक है, और जो परफॉर्म किया जा रहा है उस कंडीशन को वो 2 साल बाद किया जा रहा है, मतलब कंडीशन को जो है फॉलो किया जा रहा है वो 2 साल बाद किया जा रहा है ट्रांसफ़र होने के बाद प्रॉपर्टी के, ठीक है, तो इसे हम कंडीशन सब्सिक्वेंट कहेंगे। ओके, दिस इज़ अ कंडीशन सब्सिक्वेंट। सेक्शन 25 जो है वो डील करता है कंडीशन प्रेसिडेंट के ऊपर, मतलब ये कहता है कि जो कंडीशन है वो ट्रांसफ़र करने से पहले लगाई जानी चाहिए, ना कि बाद में, क्योंकि प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र करने से पहले जो भी हम कंडीशन रखते हैं वो आगे सामने वाले को अगर वो माने या ना माने वो उसके आगे वाले की मर्जी है, ठीक है, तो कंडीशन प्रेसिडेंट के साथ डील करता है सेक्शन 25। ओके, सो हमारे इस लेक्चर के अंदर 3 topics हो चुके हैं जो कि सेक्शन 7, 8, and 25 के अंदर डिफाइन किए हुए थे। सेक्शन 7 में हमने पढ़ा कि जो कौन कौन से पर्सन जो है वो ट्रांसफ़र करने के लिए एबल होंगे, ठीक है। सेक्शन 8 में हमने पढ़ा ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र, जो मतलब प्रॉपर्टी के साथ अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है तो उसके साथ जो जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो भी चीज़ें ट्रांसफ़र होगी, जैसे लैंड के साथ जो हैं चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो भी ट्रांसफ़र होगी, ठीक है।
जैसे हाउस के साथ जो चीज़ें अनेक्स्ड हैं, अटैच्ड हैं, वो भी चीज़ें ट्रांसफ़र होगी, या फिर कोई मशीनरी है उसके साथ जो चीज़ें हैं वो भी चीज़ें, जो मूवेबल पार्ट्स है वो भी ट्रांसफ़र होगी। सेक्शन 25 में हमने पढ़ा कंडीशनल ट्रांसफ़र की कोई कंडीशन जो है वो फ्रॉडुलेंट है या फिर लॉ के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, या फिर किसी पर्सन को की हानि के लिए या फिर किसी प्रॉपर्टी को हार्म करने के लिए या फिर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, अगर ऐसी कोई कंडीशन लगाई जाती है तो वो कंडीशन जो है वॉइड हो जाएगी, ठीक है। और हमने दो कंडीशन के बारे में पढ़ा, कंडीशन प्रीसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट, जो कि पहले लगाई जाती है कंडीशन उसे कंडीशन प्रीसिडेंट कहते हैं, और जो कंडीशन बाद में लगाई जाती है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के बाद उसे हम कंडीशन सब्सिक्वेंट कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप टीपीए से रिलेटेड और वीडियोस चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।